नमस्कार सत श्री अकाल, मैं हूं तुहाडे नाल स्वप्निल वर्मा। तुसी वेख रहे हो टीवी 9 पंजाब। अभी अकाली दल के संरक्षक और पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का निधन होने की खबर से पंजाब अभी उभरा भी नहीं था कि वहां की एक और बहुत बड़ी हस्ती हम सब के बीच से चली गई। दरअसल बॉक्सिंग चैंपियन पद्मश्री से सम्मानित कौर सिंह जी का निधन हो गया है। उन्होंने गुरुवार को 74 बरस की उम्र में अंतिम सांस ली। विश्व चैंपियन कौर सिंह ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। काफी उम्र होने के कारण वो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। उनका काफी लंबे समय से इलाज भी चल रहा था। कौर सिंह डायबिटीज से जूझ रहे थे। 2 दिन पहले ही उन्हें इलाज के लिए पहले पटियाला में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद सेहत और ज्यादा बिगड़ने के बाद कुरुक्षेत्र उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था। वैसे तो कौर सिंह के बारे में ज्यादातर लोग वाकिफ ही होंगे, लेकिन हमारे जो दर्शक इस नाम से परिचित नहीं है उनके लिए बता दें कि लेजेंड कौर सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 6 स्वर्ण पदक जीते थे, जिसमें 1982 का एशियाई खेल भी शामिल है। इतना ही नहीं, उन्होंने एशियाई खेलों में हैवीवेट मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक भी जीता था। कौर सिंह साल 1970 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। गोल्ड मेडलिस्ट सूबेदार कौर सिंह ने 1971 के युद्ध में अपना जौहर भी दिखाया था। अपनी ड्यूटी के दौरान ही कौर सिंह में मुक्केबाजी के शिखर तक पहुंचने का सपना जागा। उनकी प्रतिभा को देखकर उस समय कर्नल बलजीत सिंह जोहाल ने उन्हें पुणे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद कौर सिंह ने दोबारा कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने नेशनल गेम्स सिकंदराबाद में पहला गोल्ड मेडल जीता था। अपनी इसी असाधारण उपलब्धियों के लिए कौर सिंह साहब को वर्ष 1982 में ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके अगले ही साल उन्हें 1983 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। फिर 1988 में उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से कई प्रतिष्ठित सम्मानों को हासिल कर चुके थे कौर सिंह साहब। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कुछ दिन पहले बॉक्सर कौर सिंह की जीवनी को 9वीं और 10वीं के सिलेबस में शामिल किया था। कौर सिंह के निधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर शोक प्रकट किया। कौर सिंह देश के इकलौते बॉक्सर थे जिन्होंने लेजेंड मोहम्मद अली के साथ नई दिल्ली में रिंग के अंदर 2-2 हाथ भी किए थे। कौर सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में पूरे सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस दौरान उन्होंने जल्द ही कौर सिंह के स्मारक का निर्माण करने की भी बात कही। संगरूर के गाँव खनाल खुर्द के रहने वाले कौर सिंह ने मुक्केबाजी से पंजाब और देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया। हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।